सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधे शेयर करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारे अवतार रीज का है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अब लिक्विड का लेक्चर। इसके पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड हम लोग कर चुके हैं, लिक्विड हो जाएगा, बचेगा थर्मो, SHM और बेब्स। पूरा हमारा अवतार सीरीज कंप्लीट, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब भी बाकी है, ज्वाइन मतलब स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है, बेसिक सा फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सबको पता है। अगर स्पेसिफिक वेट पूछ ले, अभी हमसे क्या पूछा, डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछे तो डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर 4°C, समझ में आ रहा है। अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछे तो डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड, उस लिक्विड की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4°C, दोनों को रेशियो ले लो, आ जाएगा क्या रिलेटिव डेंसिटी। अगर स्पेसिफिक वेट पूछे, स्पेसिफिक वेट का मतलब होता है वेट अपन वॉल्यूम, वेट अपन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो जी हो जाएगा, वेट अपन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो जी। तीन चीज़ क्लियर होगा, डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गई। अब देखो मिक्सचर, जब पूछता है कि दो लिक्विड है मिक्सचर, अगर मिक्सचर प्रोपोर्शन बाई मास पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रोपोर्शन बाई मास, तो डेंसिटी मिक्सचर क्या हो जाएगी, M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड टोटल मास अपन M1 अपन रो 1 प्लस M2 अपन रो 2 प्लस M3 अपन रो 3। क्या हुआ, ये प्रोपोर्शन बाई मास है, ठीक। प्रोपोर्शन बाई मास क्या होगी, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, M1 प्लस M2 प्लस M3 अपन M1 अपन रो 1 प्लस M2 अपन रो 2 प्लस M3 अपन रो 3, ठीक। प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम का प्रोपोर्शन पूछेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 प्लस रो 3 V3 अपन V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। प्रोपोर्शन बाई मास पूछेगा तो क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 अपन M1 अपन रो 1 प्लस M2 अपन रो 2 प्लस M3 अपन रो 3, और वॉल्यूम में पूछेगा तो रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 प्लस रो 3 V3 अपन V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा मिक्सर हो गया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपन एरिया, वहाँ पे तुमने स्ट्रेस पढ़ा था, स्ट्रेस क्या था, फोर्स अपन एरिया, फोर्स कैसा था, रिस्टोरिंग था। यहाँ पे जो प्रेशर होता है फोर्स अपन एरिया होता है, लेकिन फोर्स कैसा होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स अपन एरिया। बैरोमीटर जो होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर को नापता है, और जो एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा जो होता है वो होता है 1.013 × 10⁵, यानी 1 × 10⁵ Nm² बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बैरोमीटर हमारा क्या नापता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर नापता है, और प्रेशर कितना होता है 1.013 × 10⁵ Nm². सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर सेम, मान लो इस लेवल पे, इस लेवल पे देखो दोनों क्या है, सेम लेवल पे है ना, देखो नीचे से दोनों का हाइट देखो सेम है ना, तो इन दोनों पे पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है, यानी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, ठीक है। P1 = P2, अगर दोनों लेवल का हाइट, जैसे मान लो पहला पॉइंट यहाँ लेवल 1 है, लेवल 2 है, तो इन दोनों के बीच का प्रेशर क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस इंटू रो जी एच होगा, रो जी इंटू एच होगा, क्या होगा, रो जी इंटू एच, दोनों के बीच का हाइट क्या है, जी एच है ना, दोनों बीच का हाइट एच है ना, तो रो जी इंटू एच, और दोनों एक जगह पर होते हैं तो प्रेशर सेम होता है, लेकिन दोनों अगर ऊपर नीचे हैं या ऐसे नीचे ऊपर है तो दोनों बीच हाइट का डिफरेंस आ गया, तो प्रेशर क्या होगा, रो जी एच हो जाएगा, P2 - P1 = रो जी एच हो जाएगा। प्रेशर लीनियरली डिक्रीज करता है विथ हाइट, और मतलब ऊपर जैसे जैसे जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा, और प्रेशर लीनियरली इंक्रीज करता है विथ डेप्थ। तो तुमने पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले एक कुछ सबमरीन गया था नीचे, तो सबमरीन वहीं ब्लास्ट हो गया था, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, प्रेशर को झेल नहीं पाया। तो जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर कम होगा, जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना ज़्यादा कम होता जाता है, ठीक है, और जितना ऊपर जाओगे प्रेशर कम होगा, ऊपर जाओगे माउंटेन पर जाओगे तुमको माउंटेन सिकनेस हो जाएगी, क्लाइंबिंग सिकनेस हो जाएगी, ठीक है। तो वो तुम बायोलॉजी में पढ़ चुके हो, तो प्रेशर ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर बढ़ता है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर भी डेप्थ, डेप्थ के साथ वेरिएशन क्या होगा, तो तुम्हें फॉर्मूला मालूम है P2 - P1 = ρgh होता है। अगर लिक्विड एलिवेटर में प्लेस, अगर लिक्विड किसी एलिवेटर में, एलिवेटर ऊपर जाता है तो क्या होगी, एलिवेटर ऊपर जाती है तो क्या हो जाएगी, अभी मैंने फोर्स पढ़ाया था तुम्हें, फोर्स न्यूटन्स लॉ मोशन, तो मैंने बोला था अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, mg + a, क्या हो जाता है, mg + a हो जाता है। एक सेकेंड आओ, बना नहीं है अभी, एक घंटा बाद, ठीक है। चलो ठीक है, अगर लिक्विड एलिवेटर में है तो एलिवेटर ऊपर जाता है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ एनएलएम वाले लेक्चर में कि कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो उसका अपेरेंट वेट नॉर्मल से बढ़ जाता है, मतलब जो अगर मैं 50 kg का हूँ तो मैं 60 kg का दिखूँगा मेजर करने पे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, mg + a हो जाएगा, तो रो जी एच होता है ना, तो रो एच प्लस जी प्लस ए नॉट हो जाएगा, यानी कि रो जी प्लस ए हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा, g + a हो जाएगा g की जगह, और प्लस p नॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर है, यानी ये सारे क्या है, फ्री सरफेसेस, यानी कि अगर यही चीज़ क्लोज्ड में होती, क्लोज्ड होती, सील पैक्ड होती, तो यहाँ पे कोई ऊपर का p नॉट लगता नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता नहीं वहाँ पे, बट यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हम लोग मान के चलते हैं कि पूरा फ्री सरफेस है, तो प्रेशर इक्वल हो जाएगा रो g + a h।
अगर हाफ फिल्ड है, कह रहा पानी भी आधा फिल्ड है, मतलब पानी आधा आधे तक भरा हुआ है और आधा हमारा हवा में है, तो वाटर लेवल सेम रहेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर एसिलेशन ऊपर से ले जाओगे तो वाटर लेवल सेम रहेगा अगर हाफ इमर से, तो ठीक। हॉरिजॉन्टल एसिलेशन, मान लो अब ऐसे हॉरिजॉन्टल एसिलेशन, तो मान लो इधर हॉरिजॉन्टल एसिलेशन आएगा, एक्सिलेशन इधर लगाओगे तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर, तुम इधर जाओगे तो पानी का लेवल ऐसे हो जाएगा, मान लो पहले पानी ऐसे था, तुमने एक्सिलेशन ऐसे लगाया, तुमने भी एक्सिलेशन ऐसे लगाया, तो पानी का लेवल क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये भी फ्री सरफेस पे होता है, और यहाँ पे जो टेन थीटा होता है एम ए नॉट बाई एम जी हो जाएगा, फोर्स अपन एम जी, तो ये एम से एम कट जाएगा, तो क्या होगा ए नॉट बाई जी हो जाएगा, यानी टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, ए नॉट बाई जी हो जाता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, ए नॉट बाई जी हो जाता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे तुम्हें मैंने बताया था कि स्लाइडिंग जब ना हो ना, जब ऐसे कोई हो और यहाँ पे स्लाइडिंग ना हो, स्लाइडिंग का कंडीशन हो, तो एक्सिलेशन क्या होता है, जी टेन थीटा, तो वही तो लिखा है कि टेन थीटा का वैल्यू क्या है, ए बाई जी, वही तो लिखा है, ये देखो ए बाई जी। तो फ्री सरफेस पे टेन थीटा का वैल्यू होता है एम ए नॉट बाई एम जी, यानी ए नॉट बाई जी, ठीक। और ये जो थीटा हमारा क्या है, फ्री सरफेस होता है, और ये एच हमारा क्या है, तो एच वन माइनस एच टू क्या है, दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस है, यानी तुम अगर एक्सिलेशन इधर लगाओगे सूडो फोर्स से लगेगा, पानी का जो लेवल होगा ऊपर उठ जाएगा, समझ रहे हो ना, अगर एक्सिलेशन इधर लगाते तो पानी का लेवल ऐसे ऊपर उठता है, ऐसे, ठीक। तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए नॉट अपन जी, तो पी टू माइनस पी वन इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच, एच के लिए क्या रखोगे एच वन माइनस एच टू, क्योंकि एच वन ऊपर एच टू इधर, क्योंकि हाइट बढ़ता जाएगा ना इधर, तो एच वन माइनस एच टू रेशियो को लिख सकते हो क्या, रो जी एल टेन थीटा या रो एल ए नॉट, ध्यान रखना रो जी एल टेन थीटा या रो एल ए नॉट, ठीक। रोटेटिंग सिलेंडर, रोटेटिंग सिलेंडर वाले केस में देख लो, जो वेलोसिटी होती है रूट में टू जी एच होती है, जानते ही हो, और हाइट इज कल टू कितना होती है, वी स्क्वायर अपन टू जी, तो वी क्या होती है, ओमेगा आर होती है, तो वी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन टू जी, ये तो आसान है, तो याद करने लायक है, ठीक है। तो वेलोसिटी होती है रूट में टू जी है, तो हाइट हो जाएगी वी स्क्वायर अपन टू जी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन टू जी, क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन टू जी हो जाएगी, तो हाइट इज कल टू वी स्क्वायर अपन टू जी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन टू जी, बस बात खत्म। ये सारे क्या फ्री सरफेस है, अगर क्लोज कंटेनर हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी बताया हूँ ना, अगर क्लोज कंटेनर हुआ एकदम सील पैक्ड कंटेनर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ नहीं होगा, यानी कि पी नॉट, जब भी फॉर्मूला लिखना वहाँ पे पी नॉट हटा देना, ठीक। अब देखो पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ कहता है कि किसी भी दो पॉइंट पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो पी वन इक्वल टू पी टू हो जाएगा, यानी एफ वन अपन ए वन इक्वल टू एफ टू अपन ए टू हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना। जैसे ए है बी है, तो प्रेशर ए पे प्रेशर बी के बराबर होगा, ठीक। पास्कल ये भी कहता है कि जो प्रेशर होता है फ्लूड में एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, अगर हम लोग ग्रेविटी को इग्नोर कर दें तो किसी भी फ्लूड में अगर वो रेस्ट पे है तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि प्रेशर इन ए फ्लूड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट इफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। ये पास्कल का असली लॉ था कि अगर ग्रेविटी ना हो तो हर एक जगह पे, अगर वो रेस्ट में है तो हर एक जगह पे प्रेशर सेम ही होता है, तो पास्कल लॉ हो जाएगा पी वन इक्वल टू पी टू अपॉन अपन इक्वल टू एफ टू अपन ए टू, तो ए और बी जगह सेम लेवल पे है तो ए और बी का प्रेशर सेम होगा, लेकिन ए और सी का सेम नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारे यहाँ तक हो गया, ठीक है, अभी थोड़ा इसको कंटिन्यू करता हूँ, बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो अब बंद हो जाए तो करता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, थोड़ा सा आज शुक्रवार है ना, और रमजान का वो चल रहा है ना, तो मुस्लिम कास्ट में मिलाद वगैरह करवाते हैं लोग, तो वही किसी को वहाँ मिलाद हो रहा है, तो बहुत तेज़, जैसे डीजे वगैरह जानते हो कैसे लगाते हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है। तो पिछले 8 मिनट वाले वीडियो में तुमने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो मैंने फ़ैन चालू कर दिया, ठीक है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ माइक के एकदम पास में आके बोलूँगा ताकि फ़ैन की आवाज़ थोड़ा डिस्क्लोज हो जाए, डिप्रेस हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना अपना प्रेशर, ठीक है, सर प्रेशर, बीच में यार थोड़ा चाय वगैरह लेके आ गया सब, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5 मिनट हो गया था फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर तीन तरह का होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गाज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको पी नॉट से डिनोट करते हैं, उसको डिस्कवर किया था टोरिसेली ने, और ये प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, ठीक है। और पी नॉट का वैल्यू होता है एफ अपन ए, यानी फोर्स अपन एरिया, इसको हम बोल सकते हो क्या, फोर्स अपन एरिया। पी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर बताया हूँ ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1×10⁵ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो 1×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो में कर सकते हो तो 101 कर दो इसको, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन नापता है, तो बोलोगे बैरोमीटर नापता है, ठीक। दूसरा होता है गाज प्रेशर, गाज प्रेशर वही प्रेशर होता है जो हमारे ऑटोमोबाइल, जो हमारे बाइक के टायर में होता है, ठीक है, वो गाज प्रेशर होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू होती है पी माइनस पी नॉट, यानी कि प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दोगे तो हमारा गाज प्रेशर आएगा। तो हमको मालूम है पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच होता है, तो पी माइनस पी नॉट क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा,
पी माइनस पी नॉट क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, यानी प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, रो जी एच हो जाएगा, ठीक है। और इट इज़ ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ओनली, इट इज़ ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ओनली, यानी कि जो लिक्विड भरा होता है कॉलम में बस उसी की वजह से होता है। और इसको नापता कौन है, इसको नापता है मैनोमीटर, यानी मैनोमीटर मेजर द गैस प्रेशर और बैरोमीटर मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तीसरा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो पी एब्सोल्यूट जो होता है इन दोनों का सम होता है, यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर और गैस प्रेशर का सम होता है, यानी कि जो पी एब्सोल्यूट होगा वो एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होगा, ठीक है। यानी पी एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक। फ्लो देखो, फ्लो तीन तरह का होगा, स्टेडी एंड स्टेडी स्ट्रीमलाइन। तो जो स्टेडी फ्लो होता है, स्टडी जो होता है उसमें वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि अगर 10 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी तो 99 सेकंड पर भी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। 10 सेकंड में प्रेशर अगर 5 का था पास्कल का, तो 99 सेकंड 101 सेकंड 2 3 4 हर सेकंड पे 5 पास्कल ही रहेगा, यानी कि वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं होते हैं विद टाइम। अनस्टडी फ्लो क्या होता है, अनस्टडी फ्लो में चेंज हो जाते हैं विद टाइम। तीसरा होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में पहले जान लो, ये एक इमेजिनरी फ्लो होता है। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो का टेंजेंट तुम ड्रा करोगे तो उसकी डायरेक्शन दे देगा, और दो स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, टू स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट, इतना ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में सारे पार्टिकल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पास जितने भी पार्टिकल्स फ्लो करते हैं उनका सेम पाथ होता है, इसलिए उनकी एक यूनिक लाइन ऑफ फ्लो होती है, सेम पाथ होता है, ठीक। उसके बाद होता है लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो में जो फ्लूड होता है ना वो वेल डिफाइंड स्ट्रीम लाइंस के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। जो स्टेट होते हैं पैरेलल में ऐसे फ्लो करेगा, स्टेट होंगे पैरेलल होंगे, स्टेट होंगे पैरेलल होंगे, स्टेट होंगे पैरेलल होंगे, ठीक। तो लेमिनार फ्लो में जो फ्लूड पार्टिकल्स हैं दे मूव अलॉन्ग द वेल डिफाइंड स्ट्रीम लाइंस बीच आर स्टेट एंड पैरेलल, ठीक। कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, जिसमें डेंसिटी जो होती है फ्लो की कांस्टेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल फ्लो को बोलते हैं जिसमें डेंसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, यानी कि कंप्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी ऑफ फ्लो नॉट कांस्टेंट, इनकंप्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, ठीक। अब आ जाओ रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर ही बताता है कि कैसी स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट की क्या है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी अपन ईटा, जहाँ से रो हमारा डेंसिटी, वी वॉल्यूम है, डी हमारा क्या है डायमीटर पाइप है, और ये ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। रो वी डी अपन ईटा, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है रो इंटू वी इंटू डी अपन ईटा, डायमीटर ऑफ वॉल्यूम रो है, वी है, डी है अपन ईटा, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम आ गया तो लेमिनार फ्लो होगा, अगर 2000 से ज़्यादा आ गया तो टर्बुलेंट होगा, अगर 1000 से 2000 के बीच में होगा तो अनस्टडी फ्लो होगा, समझे। लेमिनार कब होगा, जब 1000 से कम होगा तो लेमिनार हो जाएगा, ये 2000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा, और अनस्टडी कब होगा, जब 1000 से 2000 के बीच में रहेगा, ठीक। दूसरा चीज़ आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। जैसे रो वन ए वन इंटू बी वन इजकल टू रो टू ए टू इंटू बी टू होता है, डेंसिटी दोनों का बराबर होता है, तो ए वन बी वन इजकल टू ए टू बी टू हो जाएगा, यानी कहीं पर भी एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि इसका एरिया ज़्यादा है इंटू वेलोसिटी बी है, तो यानी ए वन बी वन यहाँ पे ए टू बी टू, ए टू बी टू होगी, यहाँ पे देखो एरिया कम है तो ए वन बी वन को कांस्टेंट होने के लिए क्या ए वन बी वन कांस्टेंट होगा ना, एरिया कम है तो वेलोसिटी अपने आप ज़्यादा होगी, यानी कि जहाँ पे एरिया कम रहेगी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, तभी तो कांस्टेंट होगा फ्लो, समझ रहे हो ना। तो ए वन बी वन इजकल टू ए टू बी टी होता है, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। कहता है मान लो यहाँ पे पी वन प्रेशर है, ये हाइट एच वन पे है, ये बी वन है, एरिया ए वन है, ये पी टू है, हाइट एच टू है, ए टू है एरिया, और बी टू वेलोसिटी है। तो कहता है कि पी, ये पी प्रेशर प्लस रो जी एच, रो जी एच हमारा, रो जी एच कौन सा है, ये रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, वो कांस्टेंट होगा। जहाँ पे पी हमारा प्रेशर है, रो जी एच हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी तो होता है एम जी एच, तो इसमें वॉल्यूम का डिवाइड कर दोगे तो एम अपन बी क्या हो जाएगा डेंसिटी, तो रो जी एच हो जाएगा, यानी कि ये हमारा पोटेंशियल पर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है, यानी कि बर्नौली थ्योरम जो होता है वो होता है प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जहाँ पे पी तो प्रेशर है, रो जी एच हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ताकि मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी बन जाए। वैसे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर अपन वॉल्यूम, तो एम बी क्या हो जाएगा डेंसिटी, तो हाफ रो बी स्क्वायर हो गया, समझे। तो प्रेशर प्लस रो जी एस प्लस हाफ रो बी स्क्वायर कांस्टेंट होगा, जहाँ पे क्या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। अगर इसको रो जी से डिवाइड कर दो, तीनों को अगर रो जी से डिवाइड कर दोगे तो पहला आएगा प्रेशर अपन रो जी, ये बचेगा एच, ये बचेगा हाफ बी स्क्वायर अपन टू जी,
बी स्क्वायर अपन टू जी। तो ये जो आ गया ना प्रेशर अपन रो जी प्लस एच प्लस बी स्क्वायर अपन टू जी, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं हेड? तो पहला हो गया प्रेशर हेड, दूसरा हो गया क्या ग्रेविटेशनल हेड यानी पोटेंशियल हेड, और तीसरा हो गया वेलोसिटी हेड यानी काइनेटिक एनर्जी हेड। ठीक है, पहला प्रेशर हेड, दूसरा ग्रेविटेशनल हेड, तीसरा वेलोसिटी हेड बोल देंगे इसको। ठीक, अब चार हमारे नोट पॉइंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। अगर किसी बॉल को तुम ऊपर से ऐसे छोड़ दोगे पानी में तो कितने हाइट तक हो जाएगा? तो वो होगा सिग्मा एच अपन रो माइनस सिग्मा। याद कर लो क्या होता है सिग्मा एच अपन रो माइनस सिग्मा, सिग्मा एच अपन रो माइनस सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा जो होगी वो जो बॉडी होगी उसकी डेंसिटी होगी, और जो रो होगी वो लिक्विड की डेंसिटी होगी। तो क्या हो जाएगा सिग्मा एच अपन रो माइनस सिग्मा। तो सिग्मा हमारी क्या होगी बॉडी की डेंसिटी होगी, रो हमारी लिक्विड की डेंसिटी होगी। ठीक, पहला केस। दूसरा केस, अगर हम लोग नीचे जाके पानी के नीचे जाकर कुछ कोई चीज़ छोड़ दोगे तो ऊपर आएगी तो कितने हाइट तक आएगी? तो वो हो जाएगा रो अपान सिग्मा माइनस वन इंटू एच। कितना हाइट कवर करेगी? रो अपान सिग्मा माइनस वन इंटू एच। समझ में आया? ऊपर से छोड़ेंगे सिग्मा एच अपान सिग्मा माइनस रो, नीचे से छोड़ेंगे तो रो अपान सिग्मा माइनस वन इंटू एच, रो अपान सिग्मा माइनस वन इंटू एच। ठीक, अब देखो सिंकिंग का कंडीशन क्या होता है, अगर कोई चीज़ पानी में डूब गई, कोई चीज़ अगर पानी में डूब गई तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू आती है पानी में डूबेगी तो जो उसकी जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, जो उसका एमजी होगा, एमजी इफेक्टिव जो होगा, एमजी जो होगा वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा mg इफेक्टिव 1 माइनस रो अपान सिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा mg इफेक्टिव 1 माइनस रो अपान सिग्मा, क्या हो जाएगा mg इफेक्टिव 1 माइनस रो अपान सिग्मा, क्या होगा mg इफेक्टिव 1 माइनस रो अपान सिग्मा, क्या होगा mg इफेक्टिव 1 माइनस रो अपान सिग्मा। ध्यान से याद कर लो बहुत काम आएगा। अगर सिंक हो गई तो अगर फ्लोट कर रही है, जैसे ये पानी है यहाँ पे फ्लोट कर रही है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जीरो होगा, अपेरेंट वेट हमेशा जीरो होगा। ठीक, अगर पानी है आधा समर्ज, समर्ज मतलब आधा डूबा या कोई कुछ थोड़ा सा पार्ट डूबा हुआ है तो भी नॉर्मल रिएक्शन या अपेरेंट वेट हमेशा जीरो होगा। ठीक है, एक ही केस में क्या होगा जब सिंक कर जाएगी तो एम जी इफेक्टिव 1 माइनस रो अपन सिग्मा होगा। ठीक, विंड रूफ वाले प्रॉब्लम कहता है कि आंधी आई, देखते हो गाँव में आंधी आती है तो झोपड़ी उड़ जाती है ऊपर की, तो झोपड़ी ऐसी होती है तो अंदर का प्रेशर पी इनसाइड, ऊपर का प्रेशर पी आउटसाइड, तो अंदर का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है यानी कॉनकेव, देखो ऐसे बना ना कॉनकेव है ना, कॉनकेव का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। तो उस केस में तुमसे पूछा है कितना फोर्स होगा तो पहले निकालो प्रेशर, प्रेशर इसका टू होता है पी वन माइनस पी टू, हो जाएगा हाफ रो बी एच का स्क्वायर माइनस वी एल का स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू डेंसिटी इंटू बी एच, मतलब क्या वेलोसिटी एट बी एच यानी कि हाइयर, यानी कि झोपड़ी के ऊपर की वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस झोपड़ी के नीचे का वेलोसिटी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा डेल्टा पी, क्या हो जाएगा पी वन माइनस पी टू इसका टू हो जाएगा हाफ रो बी एच का स्क्वायर माइनस वी एल का स्क्वायर, और फोर्स पूछेगा तो प्रेशर इंटू एरिया। बस सिंपल सी बात है, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। और अंदर वाला प्रेशर हमेशा ज़्यादा, बाहर वाला ज़्यादा होता है। नोट क्या मैंने लिखा है, कॉनकेव का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक, बेंचुरीमीटर, बेंचुरीमीटर इज बेस्ड ऑन द बर्नौली प्रिंसिपल, अभी हाल में ही क्वेश्चन आया था 2023 में, बेंचुरीमीटर बर्नौली प्रिंसिपल बेस्ड होता है। तो हमको मालूम था क्या पी वन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, यही तो था। देख लो यहाँ पे, ये देख लो, बस इसको तुम कहीं पे लगा दो ना, किसी दो पॉइंट के लिए लगा दो इसको, कंस्टेंट कर दो पी टू प्लस रो टू रो टू जी टू एच टू प्लस हाफ रो टू वी टू स्क्वायर, किसी भी पॉइंट के लिए कंस्टेंट करा दो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। जैसे देखो ये बेंचुरीमीटर है तो यहाँ पे तुमसे अगर इसका वेलोसिटी पूछ रहा है, इसकी वी वन पूछ रहा है या वी टू पूछ रहा है, तो तुम कुछ मत करो बर्नौली थ्योरम लगा दो। यहाँ पे बर्नौली थ्योरम लगाओ तो क्या हो जाएगा पी वन प्लस हाफ रो वी वन के स्क्वायर प्लस हाफ प्लस रो जी एच वन इजकल टू पी टू प्लस हाफ रो टू वी टू का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। रो तो दोनों का बराबर होगा ना, रो बराबर हो क्योंकि एक ही लिक्विड फ्लो कर रही है दोनों में, तो रो बराबर कर देना आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली याद रखना तो वी वन का जो वैल्यू आती है, जो वेलोसिटी वन की जो वैल्यू आती है वो होती है ए टू रूट में टू जी एच अपन ए वन, ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर। क्या आती है वी वन की जो वैल्यू होती है वो होती है ए टू यानी एरिया ऑफ सेकेंड वन इंटू रूट में टू जी एच ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर। ये हमारी वेलोसिटी की फॉर्मूला हो जाएगी। अब तुमसे पूछेगा रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, तो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू होता है ए वन इंटू बी वन। क्या होता है ए वन इंटू बी वन, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है ए वन इंटू बी वन, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है ए वन इंटू बी वन। तो ए वन तुमको पहले से मालूम था, बी वन तुमको मालूम है ए टू इंटू रूट में टू जी एच ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर। तो क्यू हो जाएगा ए वन इंटू बी वन यानी कि ए वन ए टू रूट में टू जी एच अपन ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा ए वन बी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वन ए टू रूट में टू जी एच अपन ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर। ठीक, ये फ्लक्स देखो क्या गया, एक टंकी है, उस टंकी में एक होल हो गया, होल कहाँ होगा, टंकी हाइट एच है, होल कहाँ से हुआ बी से, बी वेलोसिटी से निकला तो रेंज कवर करेगा आर, यहाँ से गिरेगा तो ऊपर वाली हाइट होती है स्मॉल एस, नीचे वाली होती है एच माइनस, इसका ध्यान रखना।
जो स्मॉल एच होती है वो ऊपर वाली, जहाँ से होल हुआ है उसके ऊपर वाली हाइट होती थी, ये होती है। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स तुमको मालूम है रूट में 2gh होगा, रूट में 2gh होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होगा रूट में 2 अंडर रूट में स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच, क्या होगा 2 अंडर रूट में एच कैपिटल एच माइनस एच, 2 अंडर रूट में एच कैपिटल एच माइनस एच। तो ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना रेंज कवर करेगा, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2 टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2h/g होता है, तो 2h-h/g, एच माइनस एच को किया हूँ क्योंकि यही हाइट तो है, यही इतना ही तो कवर करना है उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना ही तो रेंज कवर करेगा, यानी कि रेंज में भी एच माइनस एच आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वाले फॉर्मूले में भी एच माइनस एच आएगा। तो रेंज वाले में हो जाएगा 2 अंडर रूट में एच एच माइनस एच, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा यहाँ पे रूट में 2 एच माइनस एच अपन जी, ठीक। अगर ये एच बाई 2 है, यानी कि अगर जहाँ पे होल हुआ है वो ये पूरा हाइट जो है ना उसका आधा है, यानी कि ये मान लो 10 मीटर था तो 5 मीटर पे होल हो गया, तो रेंज सबसे मैक्सिमम आएगी, रेंज एकदम मैक्सिमम आएगी, ठीक। अगर एक पॉइंट तुमने ऊपर से H1 है, एकदम नीचे से तुमने होल किया H है, यानी दोनों हाइट H है, नीचे से भी 5 मीटर पे होल कर दिया, ऊपर से भी 5 मीटर पे होल कर दिया, तो दोनों जब आके यानी मिलेंगी तो दोनों का रेंज क्या होगा, बराबर होगा। तो हाइट एबव हाइट बिलो क्या होगा, रेंज के बराबर होता है। टाइम टेकन टू एम्प्टी, अगर तुमसे कह दिया कि इस पूरे मतलब इसको पूरा एम्प्टी करना है, इसको पूरा खाली करना है, तो कितना टाइम लगेगा, तुम कहोगे a अपान रूट में 2h/g। a हमारा स्मॉल एरिया होगा जहाँ पे होल हुआ है, और एक कैपिटल a हमारा बड़ा वाला एरिया होगा पूरा एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कंप्लीट एम्प्टी के लिए, क्या हो जाएगा कैपिटल a अपान स्मॉल a अंडर रूट में 2h/g, कैपिटल a अपान स्मॉल a अंडर रूट में 2h/g, ठीक। और किसी मान लो यहाँ से कह रहे पहले H2 पे था, अब H1 पे लाना, मतलब यहाँ पे हाई पहले यहाँ पे थी पानी, अब यहाँ तक लाना है, इतना ही एम्प्टी करना है, इतना ये नहीं करना है, इतना एम्प्टी करना है, तो हो जाएगा a अपान रूट में 2/g, बस एच क्या कर दोगे H2-H1 रूट में, क्योंकि रूट में एच है ना यहाँ पे, तो रूट में H2- रूट में H1 कर दोगे, ठीक है। अगर कंटेनर कह दिया कि ऐसा मतलब कैसे कंडीशन लाओ कि कंटेनर मासलेस हो जाए, तो म्यू का वैल्यू जो हो जाता है, म्यू मिनिमम जो होती है ना वो हो जाती है 2a/a होती है, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, म्यू हमारा क्या फ्रिक्शन बोल सकते हो ना, म्यू है ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो बोलते हैं उसको, फ्रिक्शन का आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कंटेनर अगर मासलेस होगा तो म्यू मिनिमम की जो वैल्यू होगी 2a/A हो जाएगा, ठीक। अब आता हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में तीन चीज़ याद रखनी है, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम, यानी एक्यूट एंगल है, तो कॉनकेव शेप बनता है, कॉनकेव शेप बनता है, और लिक्विड हमारा ऊपर जाता है, लिक्विड ऊपर जाता है, और लेकिन वेटिंग के कंडीशन कोई भी वेटेबिलिटी कोई भी चीज़ गीला नहीं होता है, और इसमें एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स अपॉन रूट 2 से ज़्यादा होता है, ठीक। तीन चीज़ हुआ ना, पहला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर एक्यूट है तो कॉनकेव वाला फिगर बनेगा, और लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा, लेकिन कोई वेटिंग का कंडीशन नहीं हो, कोई भी चीज़ गीला नहीं होगा, और एडहेसिव जो होगा अंडर रूट FC/√2 से ज़्यादा होगा, ठीक। अगर थीटा ग्रेटर दैन 90 डिग्री यानी ऑब्टूज एंगल है, तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स से बनेगा, लिक्विड हमारा फॉल करेगा, यहाँ पे कोई वेटिंग नहीं था, यहाँ पे वेटिंग का कंडीशन होगा, ठीक है। और FA यहाँ पे लेस देन FC/√2 हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो प्लेन शेप बनेगा, लिक्विड ना फॉल करेगा ना राइज करेगा, ठीक। अब देखो अगर इम्प्योरिटीज़ तुमने मिला दिया, अगर तुमने सॉल्यूट इम्प्योरिटीज़ मिला दिया तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, अगर पार्शली सॉल्यूट मिला दिया तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट घट जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुमने इम्प्योरिटीज़ में सॉल्यूट इम्प्योरिटीज़ मिला दिया तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, अगर पार्शली सॉल्यूट मिला दिया तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट घट जाएगा, बीच वाला ये देख लेना क्यों, ठीक। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना ये थीटा जी कॉस थीटा सी, ये कॉस थीटा सी हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो कॉस थीटा सी घटेगा, कॉस थीटा सी घटेगा, ठीक। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता, 45 डिग्री पे इंक्लिनेशन रहो या जमीन पे रहो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम ही रहेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड नहीं करता है, ठीक। एंगल ऑफ थीटा इंक्रीज करता है कहाँ पे, जब हम लोग किसी वाटर प्रूफ एजेंट का यूज़ करते हैं, क्यों करता है, क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल से ऑब्टूज एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होता है ड्यू टू द वाटर प्रूफिंग एजेंट, ठीक। ये तो बता ही चुका हूँ, ये वाटर प्रूफिंग वैसे इंक्रीज करता है, ठीक। जो बॉयंट फोर्स होता है वो एराइज करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से बॉयंट फोर्स एराइज करता है। जब भी कोई चीज़ तुम पानी में जाओगे तुम्हें अपना वजन थोड़ा सा हल्का लगेगा, क्योंकि नीचे से पानी तुमके तुम्हारे ऊपर बॉयंट फोर्स लगा रही होगी, ठीक। तो बॉयंट फोर्स जो होती है वो प्रेशर डिफरेंस बेस्ड होती है, और बॉयंट फोर्स जो होती है डायरेक्टली अपोज टू बी इनसाइड होती है, यानी कि जितना वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम तुम्हारे अंदर है, जैसे मान लो ये तुमने जितना वॉल्यूम का ये इसमें पानी में डाला उतना ही बॉयंट फोर्स उतने वॉल्यूम का लगेगी, यानी फोर्स बॉयंट फोर्स डायरेक्टली पॉजिटिव टू बी इनसाइड है, ठीक।
और वेट ऑफ डिस्प्लेस जो फ्लूड होता है, जितना मतलब फ्लूड डिस्प्लेस होगा वो क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम इन साइड इंटू जी। कितना वेट होता है, रो भी जी। कितना वेट होता है, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। कितना वेट वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, कितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, रो इंटू वी इंटू जी। कितना वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड होता है, रो इंटू वी इंटू जी। कितना वेट डिस्प्लेस होता है, रो इंटू वी इंटू जी, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इन साइड इंटू जी। क्या होती है, रो इंटू वी इंटू जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इन साइड इंटू जी। ठीक, अब देखो, अगर कोई सॉलिड बॉडी है तो मास ऑफ बॉडी मास ऑफ सॉलिड मास ऑफ समर्स पोर्शन के बराबर होती है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ समर्स पोर्शन के बराबर होता है। डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ समर्स के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई होलो बॉडी है तो मास ऑफ बॉडी होगा मास ऑफ समर्स के तो बराबर होगा, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी होगा वो ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ समर्स से। ध्यान रखना, सॉलिड बॉडी में समर्स का और बॉडी का सब कुछ सेम होता है, लेकिन होलो बॉडी में मास ऑफ बॉडी और समर्स बॉडी का मास तो बराबर हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ बॉडी वॉल्यूम समर्स से ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी समर्स से कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी इसको होता है मास पर वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है समर्स का बॉडी का तो डेंसिटी कम हो जाएगा बॉडी का। ठीक, अब देखो, अगर कहेगा कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड बता दो वर्टिकल वाल पे, यानी किसी वर्टिकल वाल पे प्रेशर बता दो लिक्विड की वजह से, तो वो होता है रो जी एच अपॉन टू। रो जी एच नहीं होता है, रो जी एच नहीं होता, रो जी एच अपॉन टू होता है, रो इंटू जी इंटू एच अपॉन टू। क्या होता है, रो जी एच अपॉन टू। ठीक, अब तुमसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ लिया तो तुम लगाओगे क्या, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी आप अगर मेटल पूछेगा तो वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। देखो, बस वेट इन लिक्विड को हटा देना, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा मेटल का। स्पेसिफिक ग्रेविटी में वेट इन एयर माइनस वेट ऑफ लिक्विड, वेट इन लिक्विड था, यहाँ पे बस वेट ऑफ लिक्विड हटा देना, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, अब कहता है कि पूरा हाइट इसका एच है, जिस जो भी पार्टिकल है समर्स करना है उसमें से एच पार्टिकल डूबा है, तो जो एच अपन एच होगा यानी वॉल्यूम इनसाइड अपन टोटल वॉल्यूम जो होगा वो रो ऑफ सॉलिड अपन रो ऑफ लिक्विड के बराबर होगा, जहाँ पे रो एस हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी है, सॉलिड मास है, और रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ठीक है, तो एच अपन एच क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनसाइड अपन वॉल्यूम टोटल हो जाएगा, रो ऑफ एस अपन रो ऑफ लिक्विड। तो ध्यान रखना, यानी पूछेगा कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम इनसाइड अपन वॉल्यूम टोटल का बता दो, तो क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपन डेंसिटी ऑफ लिक्विड रख दोगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कितना ऊपर है, तो 1 माइनस एच अपन एच, इतना डूबा अगर हुआ है, अगर डूबने का रेशियो इतना है तो ऊपर कितना है, 1 माइनस एच अपन एच होगा सी वाटर के। वही कहता है ना फ्रैक्शन ऑफ आइस, मान लो आइस का तुमने देखा वो टाइटेनिक जाकर लड़ गई, तो टाइटेनिक जिससे लड़ी थी ना वो बस ऊपर इतना थोड़ी था, नीचे भी उसके रहा होगा ना वो। तो वही कह रहा है कि जितना डूबा है और डूबने का रेशियो आ गया रो एस अपन रो लिक्विड, तो ऊपर कितना होगा, 1 माइनस रो एस अपन लिक्विड, 1 माइनस एच अपन एच बस। ठीक, अब देखो एक केस देखो, कह रहा है कि बुरेन का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें मतलब और कितना समर्ज है, वो समर्ज में है L, यानी कि जो बुरेन ब्लॉक है वो L लेंथ तक मतलब डूबा हुआ है। तो अगर कॉइन डूब गया, अगर कॉइन यहाँ से फेंके तो डूब गया, कॉइन यहाँ से गिर के डूब गया, पानी में गिर गया डूब गया, ठीक है, तो बुरेन ब्लॉक जो होगा ये पानी में डूबेगा, तो थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस करेगा तो पानी जाएगा ऊपर, तो ये थोड़ा सा बुरेन ब्लॉक है ऊपर चला जाएगा, जब बुरेन ब्लॉक ऊपर जाएगा तो लेंथ चला जाएगा थोड़ा सा नीचे, यानी कि चीज़ों को समझना आराम से। अगर कॉइन नीचे गिरा तो कॉइन जितना गिरेगा उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो पानी को थोड़ा सा ऊपर करेगा ना, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा तो ये क्या होगा, ये वाली जो लकड़ी होगी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जब चला जाएगा तो ये एल क्या होगा, पहले एल यहाँ था अभी ये ऊपर चला गया, तो यहीं से यहाँ से यहाँ तक रहेगा, एल घट गया ना यहाँ पे देखो। तो अगर कॉइन डूब गया तो बुरेन ब्लॉक ऊपर चला जाता है और लेंथ जो होती है पानी वाली लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, और यही सेम केस होता है अनलोडिंग बोट के लिए, जब बोट से कोई उतरता है तब भी वही चीज़ होती है कि नाव थोड़ा सा ऊपर चली जाती है और लेंथ जो होती है पानी की कम हो जाती है। अब देखो, अगर पानी अगर आइस है पानी में, तो अगर आइस मेल्ट कर गया तो वाटर का लेवल सेम रहेगा, क्योंकि जितना मेल्ट करेगा उतना डिस्प्लेस हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी अगर आइस मेल्ट कर गया तो वाटर का लेवल सेम हो जाएगा। ठीक, किसमें, वाटर के केस में। लेकिन अगर आइस फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड में, मतलब वाटर नहीं हो कोई लिक्विड हो, उसकी डेंसिटी कितनी है मालूम नहीं है, लिक्विड में अगर फ्लो कर रहा है, तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा हुआ, जिस भी डेंसिटी में फ्लो कर रहा है, क्योंकि आइस क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर का ही जो एक पार्ट है, वाटर को ही तो क्रिस्टलाइज कर देते तो आइस बनता है, तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर है तो आफ्टर मेल्टिंग आइस, मेल्टिंग आइस करने के बाद लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि जिस भी लिक्विड में तुम फैला तैरा रहे हो उसको फ्लोट करवा रहे हो आइस को, अगर उस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर का लेवल राइज करेगा, अगर उस लिक्विड का डेंसिटी वाटर से कम है तो उसका लेवल डिक्रीज करेगा। ठीक,
एयर बबल कोर्क और में कोई चेंज नहीं होता, एयर बबल और कोर्क में कोई भी चेंज नहीं होता, लिक्विड के लेवल में कोई चेंज नहीं। अगर एयर बबल है, कॉर्क है, उसमें लिक्विड के लेवल में क्या चेंज होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। आयरन वाला अगर है तो उसमें लिक्विड का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बैरोमीटर पे अगर, बैरोमीटर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, ठीक है, तो अगर रिस्ट पे है तो उसमें अगर हाइट एस दिखा रही है, तो अगर एसिलेटर जा रहे हो, अगर ऊपर जा रहे हो, तो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ के बताएगा, यानी कि जितना एस था उससे एक्चुअल में हमारा क्या होगा, लेस देन एच होगा। सिंपल सी चीज़ याद रखो, अगर बैरोमीटर रेस्ट पे है तो उसमें हाइट अगर एस दिखा रही है, तो अगर हम लोग एसिलेट कर रहे हैं, अगर हम ऊपर जा रहे हैं एसिलेशन करते हुए, तो जो हाइट होगी लेस देन एस दिखाएगी, यानी कि पहले अगर 10 मीटर थी तब 9 मीटर दिखाएगी, और अगर एसिलेट कर रहे हैं डाउनवर्ड तो मोर देन एस, यानी पहले 10 थी तो अभी 11 मीटर दिखाएगी। समझ में आया, ये चीज़ याद कर लेना, ठीक। अब आ जाओ कैविटी वाले क्वेश्चन पे। कैविटी वाले क्वेश्चन अभी तक तुम्हारे पूछा नहीं है, IIT वाले में पूछता है, तो कैविटी वाले क्वेश्चन कंसेप्ट सीखो। वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ एयर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपन रो इनटू रो ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक। वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या होगी, वेट ऑफ एयर माइनस वेट ऑफ लिक्विड अपन रो एल इनटू जी, यानी कि रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी वॉल्यूम ऑफ बॉडी है। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितनी होगी, वॉल्यूम टोटल में से, वॉल्यूम बॉडी में से वॉल्यूम मटेरियल का घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम कैविटी आ जाएगी। हमको कैविटी कैसे चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी अगर पूछेंगे तो डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू लिक्विड अपन रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी कर देना, और वॉल्यूम ऑफ कैविटी पूछना है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी में से वॉल्यूम मटेरियल घटा देना, ठीक। वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा ये पूछेगा, तो मास ऑफ बॉडी अपन रो इनटू एल, रो एल नहीं मतलब उस डेंसिटी, रो एल का मतलब होता है कि लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड उस डेंसिटी की लिक्विड जिसमें वो तैर रहा हो, यानी कि डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना होगा, मास ऑफ बॉडी अपन डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपन डेंसिटी होता ना, तो डेंसिटी किसका, जिसमें तैर रहा हो। और कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा पूछता है, कितना नया वॉल्यूम फॉर्म होगा, तो मास ऑफ बॉडी अपन रो एल कर देना, वो रो एल जिसमें लिक्विड पिघला हो, जिसका लिक्विड पिघला हो। चार चीज़ें थी, आई होप कि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई। वॉल्यूम ऑफ बॉडीज का वेट, वेट ऑफ एयर माइनस वेट ऑफ लिक्विड अपन ये इतना, वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालना है ऐसे, वॉल्यूम डिस्प्लेस पूछेगा तो मास ऑफ बॉडी अपन रो ऑफ लिक्विड उस लिक्विड का जिसमें तैर रहा हो, वॉल्यूम फाउंड पूछेगा तो मास ऑफ बॉडी अपन रो एल वो लिक्विड जिसमें पिघला हो, ठीक। कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला, जैसे कोई भी चीज़ तुम कपड़ा अगर पानी में रख ऐसे रख दोगे कपड़े को, तो देखो कपड़ा ऊपर तक भीग जाएगा, किसकी वजह से, क्योंकि कैपिलरी राइज वो कैपिलरी एक्शन होती है। तो हाइट क्या होती है, 2t cos थीटा / rho r g, 2t cos थीटा / rho r g होती है, जहाँ पे हाइट हमें दिख रहा है इनवर्सली प्लस टू r है, और जो रेडियस होती है हमारी डायरेक्टली प्लस टू क्या होती है, मास होती है, ठीक है। यहाँ से दिख रहा होगा हाइट डायरेक्टली प्लस टू cos थीटा c, यानी अगर हाइट बढ़ाओगे तो cos थीटा बढ़ेगा, लेकिन cos थीटा अगर बढ़ता है तो थीटा वैल्यू कम होती है, समझ रहे हो कैसे। अगर cos 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि जैसे जैसे तुम थीटा c बढ़ा रहे हो, cos थीटा वैल्यू बढ़ा रहे हो, थीटा वैल्यू कम हो रही है, थीटा वैल्यू कम हो रही है ना, यानी कि अगर देख लेना cos थीटा c से पूछा कि थीटा से पूछा है, तो अगर हाइट देखोगे तो हाइट तो डायरेक्टली प्लस टू cos थीटा c है, लेकिन हाइट इनवर्सली प्लस टू थीटा होता है। तो अगर एंगल जिसका 0 है, जिसका 45 है, जिसका 40 है, जिसका 50 है, जिसका 60 है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 0 वाले का हाइट सबसे ज़्यादा, 0 वाले का, फिर 45 का, फिर 60 का, फिर 90 का, क्यों, क्योंकि हाइट इनवर्सली प्लस टू क्या होती है, थीटा होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है cos थीटा के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। और r इक्वल टू होता है r अपन cos थीटा, जहाँ पे r हमारा होता है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और स्मॉल r होता है रेडियस ऑफ सिलेंडर अपन cos थीटा। जैसे कहेगा कि पानी यहाँ पे जाकर ओवरफ्लो करने लगा, मान लो ओवरफ्लो करने लगा, तो ये जो रेडियस मेनिस्कस का बनेगा वो हमारा क्या है, कैपिटल r में रखोगे, और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो रेडियस होगा उसको रखोगे क्या, स्मॉल r। तो r इक्वल टू r अपन cos थीटा। देख लो, पहली चीज़ देखो, जो कैपिलरी राइज वाली चीज़ें हैं वो कंजर्वेशन मैकेनिकल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो नहीं करती हैं, पहली चीज़, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। अब विस्कोसिटी देखो, अगर लिक्विड की विस्कोसिटी है तो प्रेशर बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, और गैस की विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर की, यानी कि अगर लिक्विड है तो प्रेशर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर गैस है तो प्रेशर बढ़ाने पे विस्कोसिटी नहीं बढ़ती है, याद कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यानी कि अगर लिक्विड है तो प्रेशर बढ़ाने पे उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर गैस है तो इंडिपेंडेंट होगी प्रेशर के, अगर वो गैस है तो इंडिपेंडेंट होगी प्रेशर के, ठीक। विस्कोसिटी दो तरह की होगी, लिक्विड और गैस में, फिर से देखो टेम्परेचर के टाइम, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी घटेगी लिक्विड में, और गैस में क्या होगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी, यानी कि चार केस हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर पे विस्कोसिटी का। देख लो, अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया लिक्विड है तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया गैस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो विस्कोसिटी घटेगी लिक्विड के केस में, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो विस्कोसिटी बढ़ेगी गैस के केस में।
ठीक तो याद कर लेना। स्टोक्सला कहता है फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आरबी। स्टोक्सला क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आरबी, जहाँ पे ईटा हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है। और ईटा को हमेशा किस में लेते हैं, डे का पॉइज में। डे का पॉइज उसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, डे का पॉइज। तो 1 पॉइज होता है 1/10 डे का पॉइज। तो 1 डे का पॉइज कितना होगा, 10 पॉइज होगा। 1 डे का पॉइज क्या होगा, 10 पॉइज के बराबर होता है। तो 1 पॉइज के लिए 1/10 डे का पॉइज होता है, ठीक। फोर्स इक्वल विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, 6 पाई ईटा आरबी, ठीक। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई भी चीज़ तुम जब डालोगे ना पानी में, तो पहले वो स्पीड से गिरेगी, लेकिन बॉयंट फोर्स लगते लगते उसकी स्पीड पहले बढ़ेगी, मतलब पहले गिरेगी तो तेज़ रहेगी, फिर धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगी। तो यही ग्राफ मैंने गलती कर दिया था ओएमआर में, उसमें तो ठीक सही किया था, लेकिन ओएमआर में गलती है। साफ साफ चिल्ला चिल्ला बोल रहा है, पहले देखो बढ़ी फिर कांस्टेंट हो गई, तो यही ग्राफ था, लेकिन मैंने ओएमआर में गलती कर दी थी। तो वीटी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर अपन ईटा। वीटी इज इक्वल टू का टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9 आर स्क्वायर ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। वीटी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, 2/9 आर स्क्वायर अपन ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। सिग्मा क्या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, रो हमारा लिक्विड का है, ठीक है। यहाँ से दिख रहा होगा टर्मिनल वेलोसिटी आर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर पावर पूछ लेगा, पावर इक्वल होता है एफ डॉट वी, फोर्स विस्कस क्या होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो आर यहाँ से और वेलोसिटी यहाँ से, तो आर इंटू वेलोसिटी आर का स्क्वायर, आर का वेलोसिटी के आर का स्क्वायर है ना। तो एफ डॉट वी होता है फोर्स पहले से 6 पाई ईटा आर वी, आर इंटू वी पहले से था, वी स्क्वायर यहाँ से आया, नहीं आर स्क्वायर यहाँ से आया, तो आर इंटू आर पे पावर 5 आ जाएगा। यानी अगर पावर का पूछेगा ना, पावर पूछ लिया तो आर पे पावर 5 आएगा, ध्यान रखना, ठीक। क्वेश्चन करना पी वाई क्यू, तुम्हें मिल जाएगा पावर का एक फॉर्मूला दिया होगा, आर पावर 5 चेक कर लेना, ठीक है। तो बी टी और एक्स टी में, यानी टर्मिनल वेलोसिटी एक्स और टी में जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, एक्सलेशन और एक्सटिंग ग्राफ ऐसे बनेगा, बी और वी बी और टी में ग्राफ ऐसे भी बनता है, उल्टा बनेगा, इसके जस्ट ऐसे है तो ऐसे बनेगा। क्यों, कब बनेगा, जब टर्मिनल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दे दोगे ना, तब वो ग्राफ ऐसे बनेगा। जब टर्मिनल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो ग्राफ ऐसे बनते हैं, ठीक। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि फोर्स इक्वल टू ईटा ए डीवी एक्स अपॉन डीवी, यानी कि ईटा ए इंटू ग्रेडियंट, यानी कि वेलोसिटी का ग्रेडियंट। तो ईटा ए इंटू डीवी बाई डीएक्स होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है। तो ये वेलोसिटी का प्रोफाइल पूछेगा, तो ये एक ग्राफ बना देना, वेलोसिटी का प्रोफाइल होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट देखो यहाँ पे आ गया ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डे का पॉइंट होता है 1 डे का पॉइंट 10 पॉइंट, ठीक। अब हमारा आ गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये कोहेसिव इंटर मॉलिकुलर फोर्स के वजह से होता है, एडहेसिव नहीं, कोहेसिव। देखो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स होता है और कोहेसिव इंटर मॉलिकुलर फोर्स के वजह से होता है, ठीक है। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। अगर कोई नीडल पानी में फ्लोट कर रहा है तो उसका जो इक्वेशन बनता है वो बनता है 2TL, नीडल में अगर पानी फ्लोट नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा 2TL साइन थीटा, इतना ध्यान रखना। यानी कि अगर नीडल फ्लोट कर रहा है तो वहाँ पे तुमसे टेंशन पूछ सकता है, तो 2TL साइन थीटा इक्वल टू mg कर देना, ठीक। अब देखो तुमसे पूछता है व्हाट इज द एक्सेस रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स फॉर लिफ्टिंग द वायर या लिफ्टिंग द रिंग, लिफ्टिंग द सर्कुलर डिस्क, लिफ्टिंग द स्क्वायर फ्रेम। तो याद कर लो, वायर के लिए होता है 2TL, जो फोर्स एक्सटर्नल होता है, एक्सेस फोर्स जो होता है ना, जो एक्सेस फोर्स होता है वो होता है 2TL। होलो डिस्क के लिए होता है 2πt आर1। तो होलो डिस्क कैसे होगा ना, होलो डिस्क तो अंदर वाला आर1, बाहर वाला आर2, तो 2πt आर1 प्लस आर2। रिंग के लिए होता है 4πrt, सर्कुलर डिस्क के लिए होता है 2πrt, स्क्वायर फ्रेम के लिए होता है 8a इंटू टी, स्क्वायर प्लेट के लिए होता है 4a इंटू टी। समझ में आ रही है, यानी कि वायर के लिए पूछेगा तो 2TL, होलो डिस्क के लिए पूछेगा तो 2πt आर1 प्लस आर2, रिंग के लिए पूछेगा तब एक्सटर्नल हो जाएगा 4πrt, सर्कुलर डिस्क के लिए पूछेगा तब एक्सटर्नल हो जाएगा 2πrt, स्क्वायर फ्रेम के लिए पूछेगा तो एक्सटर्नल हो जाएगा 8a t, स्क्वायर प्लेट के लिए पूछेगा तो 4a t। इतना ध्यान रखना है, 4-5 चीज़ याद कर लेना। ये तो हो गया एक्सेस फोर्स। अगर तुमसे पूछेगा मिनिमम फोर्स टू जस्ट लिफ्ट, जस्ट लिफ्टिंग के लिए मिनिमम फोर्स क्या होगा, तो बस mg जोड़ देना है, ये x है उसमें mg जोड़ दो, x है उसमें mg जोड़ दो, x है उसमें mg जोड़ दो, समझ गया ना, वो हो जाएगा, ठीक। अब तुमसे पूछता है वर्क बता दो, वर्क कितना होता है। वर्क हमारे सरफेस एनर्जी के बराबर होता है, वो होता है टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। क्या होता है, टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो अगर ड्रॉप है तो क्या होगी, टेंशन रहेगी, एरिया क्या हो जाएगी, 4πr² स्पीयर करेगा 4πr². लेकिन अगर बबल है, बबल में दो लेयर होता है, क्या दो लेयर, तो पहले तो होगी 4πr² × t, लेकिन दो लेयर तो 200 मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या हो जाएगी 8πr² × t, क्या हो जाएगी 8πr² t, क्या हो जाएगी 8πr² t, ठीक। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर जो होता है वो पी एक्सटर्नल मतलब होता है पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड। लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर होता है 2T/r, लेकिन सॉफ्ट बबल में क्या होगा, जैसे अभी पढ़ा होगा सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2T/r हो जाएगी, और सॉफ्ट बबल में दो लेयर होता है तो 40/r हो जाएगा। फिल्म में भी दो लेयर होता है, ठीक, 40/r।
सरफेस टेंशन जो वाटर का होता है मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना ठीक है। अब ड्रॉप वाले क्वेश्चन देखो, बड़ा ड्रॉप छोड़ के छोटे छोटे ड्रॉप में टूट गया, जब छोटे छोटे ड्रॉप में टूटेगा तो सरफेस एरिया उससे क्या होगा, देखो छोटा छोटा हो गया ना तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो देखो अगर बड़ा ड्रॉप छोटे छोटे में टूटेगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर कम होगा, सरफेस एनर्जी कम हो जाएगा। तो तीन चीज़ होती है, इसका उल्टा होगा जब छोटा बड़े में बनेगा, तो बड़ा जब छोटे में बनेगा कैपिटल आर था पहले रेडियस सब स्मॉल आर हो गया, तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर कम होगा, सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी ठीक। और कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन हो जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू एम आर एम पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, जहाँ पे एन हमारे क्या होता है नंबर ऑफ ड्रॉप, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ड्रॉप। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा 4πr³ इंटू टी 1/r-1/r, इससे तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो या इससे ना निकालना, मैं तो कहूँगा इससे निकालना 4πr² t एन पे पावर 1/3-1, जहाँ पे एन हमारा क्या होगा आर एन पे पावर 1/3 क्या हो जाएगा आर अपन स्मॉल आर का रेडियस रेशियो हो जाएगा। तो 4πr² t एन पे पावर 1/3-1, इन सब का यूज़ तुम्हें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाना सिखा दूँगा ठीक। अब छोटे छोटे मिलकर बड़े बनते हैं, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला याद कर लेना, जो वर्क डन होता है वो 3 × वॉल्यूम × टाइम × टेम्परेचर × 1/r-1/R हो जाता है ठीक है, 3 VT 1/r-1/r हो जाता है। और चेंज इन एनर्जी यही याद रखना, पहले छोटे छोटे थे तो एन ड्रॉप थे और 4π था स्मॉल रेडियस था 4πr² माइनस चेंज एनर्जी का हो फाइनल एनर्जी कितना 4π R² एक ही ड्रॉप बना, तो डेल्टा ई हो जाएगा एन इंटू 4π स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 4π R² का स्क्वायर ठीक। जूरेंस ला बोलता है कि एच इंटू आर कांस्टेंट होता है, यानी हाइट इंटू जो रेडियस का रेशियो कांस्टेंट होता है, क्योंकि हाइट इनवर्सली पोस्ट 1/r होता है, रेडियस डायरेक्टली पोस्ट टू मास होता है ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h²r², पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h² × r² के ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ पाइप है, अगर मान लो पाइप है सीरीज में तो एल इक्विवेलेंट L1+L2 हो जाएगा, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ पाइप है तो एल इक्विवेलेंट L1+L4 हो जाएगा ठीक। एट एन एंगल थीटा जो हाइट होती है बैरोमीटर की, वही बताया ना बैरोमीटर एच है रेस्ट पे, तो ऐसे रिलेटेड पे लेस देना चाहेगा, रिटार्डिंग पे ग्रेटर देना चाहेगा, वही सेम केस यहाँ बैरोमीटर है एच इजकल टू होता है L cos थीटा, लेंथ हम मरकरी कॉलम है, अरे रीडिंग हमारी है ठीक। अगर R1 है R2 दोनों मर्ज कर गए एक कॉमन मतलब एक बना गया, तो रेडियस जो होगी वो रूट में R1² + R2² होगी नए वाली की ठीक। और अगर दोनों है R1 R2 है दोनों मिल गए तो एक कॉमन इंटरफेस बनता है, देखो दोनों का कॉमन रेडियस जो बनेगा ये वाली जो कॉमन रेडियस बनेगी वो हो जाती है R1 R2 / R1 - R2 होता है, इसी को हम लोग डबल वेवल डबल बबल वाले फिनोमेना में बोलते हैं। पहले केस में क्या था दोनों अलग अलग थे दोनों मिलके एक बना दिए, अभी ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं दोनों ऐसे जुड़े हैं तो इस इंटरफेस का रेडियस पूछ रहा है, तो R कॉमन हो जाएगा R1 R2 / R1 - R2 और ये हमारा क्या डबल बबल केस है। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा अगर R1 R2 दोनों बराबर होंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, R कॉमन क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा इंटरफेस में ठीक। फोर्स रिक्वायर टू सेपरेट द टू प्लेट, किसी भी दो प्लेट का निकालने का मतलब सेपरेट करने का जो फोर्स होता है वो होता है 2 × एरिया × थिकनेस / 2 × एरिया × टेंशन / d यानी थिकनेस 280/d होता है, 280/d जहाँ पे 2 × एरिया है, t हमारा टेंशन है, d हमारा क्या थिकनेस है, इसको याद कर लेना एम्स में पूछा गया 2 × एरिया × थिकनेस / 2 × एरिया × टेंशन / d थिकनेस। bt टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू n^(2/3) vt होता है और आर हमारा n^(1/3) ही जानते हो ठीक है, ये याद कर लेना बेटी डस्ट ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड भी कंप्लीट हो गया ठीक है, ये हम लोग 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसको ज्वाइन करना होगा कर लेना ठीक है, कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। और मेडिको होली का भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे तुमको इसके नोट्स मिल जाएंगे, बहुत बोल रहे थे ना भैया कि वाइट बैकग्राउंड में रखो, तो रख दिया ना वाइट बैकग्राउंड में, पढ़ो प्रिंट आउट निकलवाओ आराम से वो करो पढ़ाई करो ठीक है। तो मेडिको होली का भी हमारे चैनल का नाम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे तुम ज्वाइन कर लेना, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम एक लाइक और एक कमेंट तो कर दोगे ठीक है। तो थैंक यू, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आराम से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं रात में सारी वीडियोस को अपलोड करूँगा ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना ठीक, थोड़ा सा ये साउंड आ रहा होगा उसका थोड़ा कोऑपरेट करना ठीक है, थैंक यू।